गाइस ये गाइस स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज ये है हमारा फोर्थ पार्ट इस सीरीज का। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी करते हुए, और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो कीजिए लाइक। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो फिर जैसा कि हम वहाँ पर पहुँच गए थे प्यूटर सिटी अब तक, और अब हम माउंट मून की केव में आ चुके हैं। और माउंट मून की केव में आके हमारा मिस्ट्री ने कहा था कि वो भी हमारे साथ चलेगी, इसलिए वो भी हमारे साथ, लेकिन वो थोड़ा आगे निकल गया तो उसको पीछे लाने के लिए फिर से बाहर गया था। अब ये हमसे लड़ेगी नहीं लड़ रही। चलो मुझे अब लड़ना ज़्यादा ट्रेनर उससे पसंद नहीं है, तो फिर चलो चलते हैं। उधर एक केव है, उधर भी चेक करते हैं क्या है केव के अंदर। पर एक मिस्ट्री हमारे, आओ मिस्ट्री अभी तो उधर थी। उधर आई क्लिफेवल, क्लिफेवल, इट इज़ क्लिफेवल, ये तो क्लिफेवल है। तो फिर चलते हैं आप भाई। यार यहाँ पर ये पोकेमोन बहुत सिर दर्द करेंगे, मतलब कि ये पोकेमोन इतना तंग कर लेंगे हमें यहाँ पर, क्योंकि गाइस ये पोकेमोन बार बार आएंगे। इधर इधर एक और केव है, तो इस केव में भी जाकर जल्दी से चेक करते हैं क्या है इस केव के अंदर। मतलब केव के अंदर केव, केव के अंदर केव, इधर इतनी सारी केव और ये भी लड़ रहा है यार। ओ माई गॉड, 6 out of 6 पोकेमोन। माय गॉश, मेरे सारे, मतलब मेरा बल्बसौर आउट है और मेरे पिकाचू की लाइफ आधी कम है। मैं अपने पोकेमोन सही करा के नहीं आया यार। गाइस ये मेरे साथ ही क्यों होता है? फिर मैं क्या सोचता हूँ कि अब मैं क्या वापस जाऊँ? मतलब मैं बहुत आगे आ गया हूँ केव के अंदर, तो फिर मुझे वापस जाना ठीक लग रहा नहीं है गाइस। तो फिर रेड डांस सीख रहा है, रेड डांस। हाँ रेन डांस आई थिंक ठीक अटैक नहीं है, क्योंकि सिर्फ उसमें रेन होता है, मतलब बारिश आती है और कुछ नहीं होता उसमें। तो अकॉर्डिंग टू मी ये बेकार अटैक है रेन डांस, मैंने नहीं सिखाया। वैसे इसके पास लगता है सारे वॉल्ट ऑफ है, और किसी और वॉल्ट, वॉल्ट ऑफ हमारा क्या लक है, मतलब वॉल्ट ऑफ एक, इसके सारे वॉल्ट ऑफ के पास सिर्फ एक अटैक है जिसका नाम है एक्सप्लोजन। अब एक्सप्लोजन, और हमारे जो पॉलीबॉल है उसके पास एक एबिलिटी है कि वो एक्सप्लोजन से प्रिवेंट हो सकता है, मतलब उसके वॉल टॉप के एक्सप्लोजन को होने से रोक सकता है, जिसकी वजह से हमारा इसमें ये हारेगा नहीं। अगर ये कैसे भी करके इनके एक्सप्लोजन ख़त्म हो जाए तो फिर ये कोई अलग अटैक कर सकते हैं, स्ट्रगल कर सकते हैं वो। मैं स्ट्रगल करते हैं जब उनके सारे अटैक ख़त्म हो जाते हैं, ये मैंने देखा है। तो गाइस वैसे तो कोई मैच इतनी देर तक चलेगी नहीं कि इनको स्ट्रगल करने का मौका मिले। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मैच कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, मतलब देखा इसने कर किया भी, स्ट्रगल किया और उसकी खुद की भी लाइफ गई थोड़ा, मतलब उसमें खुद की भी लाइफ थोड़ी बहुत जाती है, उसने स्ट्रगल किया। हाँ हमारा पॉलीबॉल अच्छा खासा ट्रेन हो रहा है और हमारा पिकाचू भी ट्रेन हो रहा है। तो फिर आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि ये केव कहाँ तक है। इससे तो बच गए हम, अच्छा हुआ इससे हमें फ़ाइट नहीं करनी पड़ी। मुझे अब ट्रेनरों से फाइट करने में मज़ा नहीं आता, ये छोटे मोटे ट्रेनर हैं आसानी से हार जाते हैं। जैसा कि उसने कहा था हमें टीम रॉकेट को ढूंढना होगा इधर, क्योंकि तो टीम रॉकेट मूनस्टोन को चुराने वाली है, तो मूनस्टोन कुछ गलत करने वाली है, इसलिए हमें टीम रॉकेट को सबसे पहले रोकना पड़ेगा। और ये मिस्टी, मुझे लगता है मिस्टी को हमें अपने साथ लेके आना पड़ेगा, मिस्टी उधर ही रह गई है केव में। तो गाइस अब उसको अपने साथ कैसे लेके आए, मतलब अभी मैं केव में आया, मैंने उधर कोई पोकेमोन नहीं सही से, वो मिस्टी थी जो मैंने उधर देखी, जो उस कॉर्नर में लड़की खड़ी थी इधर, हाँ इधर ही देखी थी मैंने, एक मिस्टी थी शायद, वो वही मैंने देखी थी उधर। ये रही नीचे। ओ या गॉश, हम इससे लड़े नहीं थे, अब लड़ना पड़ रहा है इससे भी हमें। तो फिर इसके पास भी ठीक ठाक पोकेमोन से, लेकिन हमसे नहीं जीत पाई क्योंकि फायर टाइप इस वीक अगेंस्ट वाटर टाइप, और हमारे पास वाटर टाइप है और ये तो कुछ करता ही नहीं है। इसका लेवल अभी कम है, मतलब कि थोड़ा और ये आगे लेवल पे आएगा तभी कुछ करेगा, लेकिन अभी तो ये कुछ करेगा ही नहीं, सिर्फ टेलीपोर्ट और वो ये हो नहीं पाएगा इधर।
सो आई वेस्ट माई आइस बीम ऑन इट। सो गाइस अब मुझे उस पर आइस बीम नहीं करनी चाहिए थी। सो देन वी विल गोइंग टू स्लोरन सिटी। सो गाइस मिस्टी इग्नोर। सो गाइस मिस्टी इग्नोर हिम टू फॉलो। अब जैसे कि ये भी हमसे लड़ रहा है, इसके पास मैंकी है। गाइस मुझे भी मैंकी पकड़ना था पर मुझे मिला नहीं। अगर मैंकी मुझे मिलता तो मैं इसको पकड़ता, जरूर पकड़ता मैंकी को। मुझे मैंकी बहुत पसंद है, मतलब मैंकी मेरा फेवरेट पोकेमोन में से एक है। मुझे पकड़ना है मैंकी को। मुझे मिला नहीं। राइड ऑन आउट, ये भी आउट होगा गाइस। रॉक टाइप है, रॉक टाइप भी वीक है हमारे खिलाफ। बस मुझे सिर्फ एक हेड एच है कि मेरा पॉलीवॉल आउट हो गया, फिर मेरा पिकचू बचेगा। ओह इधर भी क्लिफेबल है। हाय क्लिफेबल, लेकिन ये भी क्लिफेबल क्लिफेबल कर रही है। तो फिर अब चलते हैं इधर से आगे। ओह यही तो मैं कह रहा था, ये पोकेमोन हमें तंग कर देंगे। इधर मिस्टी इधर आ गई अचानक से। ओह फिर से लड़ने लग गया। मैं कह रहा था रनिंग शूज़ का फ़ायदा उठा के इसके आगे से इतनी तेज़ निकलूँगा, मतलब कि देख भी नहीं पाएगा, लड़ेगा तो क्या। लेकिन गाइस फिर भी इसने रोक लिया हमें। ओह नो, हमारा पॉलीबॉल आउट हो चुका है, अब सिर्फ पीकचू बचा है। तो अब देखते हैं कब तक हमारा पीकचू बच पाता है। मेरा पीकचू उतना ट्रेन भी नहीं है कि वो ज़्यादा देर तक, और इधर ज़्यादातर रॉक टाइप जैसे पोकेमॉन्स आते हैं और पिकचू के खिलाफ कमज़ोर है। तो फिर मैं देखूंगा मैं पिकचू कब तक चलता है, वरना फिर मैं सीधे टीम रॉकेट। यो गाइस टीम रॉकेट इस हे यार, टीम रॉकेट इस हे यार, मतलब टीम रॉकेट इधर है। अब आप इसे मज़ा चखाते हैं क्या होगा, देखते हैं। ओके गॉट इट, ट्रैकर दैट वन गॉन्स, व्हाट्स योर ऑर्डर। मतलब दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे और भाग गए। और मिस्टेक ये मैं सीधे जाती हूँ, इसका मतलब हमें इधर जाना है। मिस्टी ने कहा है मैं सीधे जाती हूँ, शायद इधर भी क्लिफेबल है। हम किसी भी क्लिफेबल को पकड़ नहीं सकते, इधर इतनी सारी क्लिफेबल घूम रही हैं। इधर क्या है, इधर तो कोई नहीं, सिर्फ पोकेबॉल है। पोकेबॉल के भी अंदर देखते हैं क्या होता है इस पोकेबॉल के अंदर। एदर एदर है तो इसके अंदर, तो इसका मतलब हमें मिस्टी के पीछे जाना है। सो मिस्टी हमें पहले ही बता देती कि हमें तेरे पीछे आना है। और ये पोकेमोन भी ना, टीम रॉकेट चलो अपने पिकचू की थोड़ी लाइफ बढ़ा लेते हैं, वैसे ही कम है, हार सकते हैं। अब हम देखते हैं क्या होता है इसके साथ, क्या करें। रन अप लेके भागते हैं, पकड़ लिया इसने। शिट डबल बैटल, लेकिन हमारे पास तो एक ही था, लेकिन इसकी लाइफ तो पूरी लो है। समझना हम चलो इसको पोशन देते हैं। ओ नहीं दे सकते, ओ गायब, व्हाट द हेल, मतलब अभी आया था अभी गायब हो गया। अब हमारे ओ इसके अटैक तो आ रहे हैं गाइस। शिट ओ ज़ुबैट तो यहाँ पर ही आउट हो गया है। पिकचू हमारा अच्छा खासा कर रहा है, लेकिन उसने तो अटैक किया ही नहीं, उसके अटैक तो आ रहे थे। क्या नहीं बढ़ाना चाहिए, पोशन यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास पिकचू लास्ट पोकेमॉन है, फिर हम यहाँ से सीधे पोकेमॉन सेंटर जाएंगे। नो गाइस ये हमारी लाइफ बार बार गिरा रहा है, हमें बार बार पोशन यूज़ करना पड़ रहा है। अच्छा हुआ मैंने आने से पहले मार्ट में से पोशन खरीद लिए थे, वरना आज तो हमें वापस आना पड़ता है इस केव में घूम घूम के। वैसे मुझे अंदर से गलती फीलिंग आ रही है कि हमें वापस तो आना पड़ेगा, क्योंकि पिकचू हमारा भी इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो, और हमारे पास सिर्फ तीन ही पोकेमॉन है और अभी तक हमने और कोई पोकेमॉन पकड़ा ही नहीं। पकड़ना तो पड़ेगा गाइस, अगर हमने और पोकेमॉन नहीं पकड़े तो फिर हम इनके साथ नहीं रह सकते। ओ शिट, मुझे लगा ये हमें कुछ, या शायद मून स्टोन अगर इसने चोरी कर लिया है तो हमें ये दे दे। मुझे क्या पता था कि ये भी हमसे लड़ेगा, वैसे देता तो भी फाइट करके ही देता,
लेकिन फिर भी हमारा पिकचू भी अभी इतना स्ट्रांग नहीं है, हमें बार बार पोशन यूज़ करना पड़ेगा पिकचू के लिए। अब ये फाइट तो एक अंश के साथ है, ये भी हम जीत ही जाएंगे। पैरालाइज कर दिया इसने, इस पैरालाइज को और हटाना पड़ेगा। ये क्या हो रहा है, चलो हो गया हमारा अटैक और ये हार गया। तो फिर अब क्या करें गाइस, चलते हैं। भागो, पकड़ लिया इसने भी। जब मैं चाहता हूँ मुझसे कोई ना लड़े तभी आके ट्रेनर मुझसे लड़ते हैं। इसकी थंडर बोल्ट भी ख़त्म होने वाला है। सो अब ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँ, मतलब तुम लोग बता दो मैं क्या करूँ। इतना गुस्सा आता है ना मुझे। अरे भाई आ जा, क्यों मेरे प्राण खा रहा है, पॉइजन कर रहा है। सो गाइस चलो ये तो हार गया, हम अपने थंडर बोल्ट को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। एदर से एदर हमें अभी मिला था, पोशन भी यूज़ कर ही लेते हैं। इधर भी एक क्लिफेबल है, फेरी नो गाइस, मुझे जल्दी जल्दी में मैं उसको रन कर गया, मुझे पकड़ना था। क्या करूं अब, चलो टीम रॉकेट से ही लड़ते हैं। गाइस इसके पोकेमोन बहुत हमसे ताकतवर लग रहे हैं, मुझे लग रहा है। नो गाइस इसने मेरा थंडर बोल्ट डिसेबल कर दिया। बस मैं ये बैटल कैसे भी करके जीत जाऊं गाइस। हमें सर भी पोशन की जरूरत पड़ रही है और हार गया जैसा कि मैं कह रहा था। तो फिर से इतना घूम के आना पड़ेगा। इस बार मैं बताता हूँ उनको, जल्दी भाग भाग भाग, भागो 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 भाग, मिलका भाग 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 भाग। हाँ चलो दे दो इसको, इस पैसे देते हैं बल्बस और को दे देते हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर। भाग मिलका भाग भाग मिलका भाग, भाई अगर ये लोग आने लग गए ना तो हम नहीं भाग पा रहे। भाग मिलका, इधर मैं लड़ा नहीं था उससे, बच गए उससे। भाग भाग गए, बच गए। भाग मिलका भाग भाग, अरे भाग ना मिलका, अरे मिलका भाग, मिलका भाग 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 भाग, मिलका भाग, अरे भाई भाग ले, भाग मिलका भाग, मिलका अगर रेस जीतनी है तो भाग जल्दी। भाग मिलका भाग भाग, मिलका भाग भाग, मिलका भाग 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 भाग, अरे भाग ना मिलका, भाग मिलका जल्दी भाग, इतना टाइम नहीं है।
जल्दी भाग, हमें जल्दी पहुंचना है उधर, भाग। अरे भाग भाई भाग, मिल्खा भाग, मिल्खा भाग, पहुंच तो चुके हैं, अब भागने की कोई जरूरत नहीं है, अब मजा चखाएंगे हम इन लोगों को। सो अब तुम देखना, सो आइस बीम ये और आइस बीम थंडरबोल्ट अच्छा है, लेकिन पॉइजन कर दिया इसने, पॉइजन तो कर दिया है। अब फिर से थंडरबोल्ट और क्या वाटर गन या आइस बीम ही करी, और ये इसकी रेड लाइफ है, इसको भी पॉइजन कर दिया इसने, डिसेबल भी कर दिया आइस बीम को। अब तो भाई वाटर गन ही करना पड़ेगा। अच्छा हुआ मैं पहले वाटर गन नहीं किया, कुछ भी नहीं है मेरे पास, थंडरबोल्ट ये गया और क्या वाटर गन ही करना पड़ेगा, कि और कोई ऑप्शन नहीं है, और ये वाटर गन आउट हो गए। तो और पिकचू करना, पिकचू का अटैक क्यों मिस हो रहा है, पिकचू करना भाई, तू आउट होने वाला है यार ये तो पिकचू, इसको जल्दी पहले आउट करना पड़ेगा। पिकचू का मैं थंडरबोल्ट तो फिर से, अब तो उसने डिसेबल भी कर दिया, फिर से मिस हो गया। अब चलो थंडर शॉक ही कर लेते हैं, और पिकचू की लाइफ, चलो उसने अपना लाइफ का क्रिएट किया पॉइजन और ये आउट। मैं पता था, हमें पता है, हमें सब कुछ पता है, और ये ड्राउजी हम जीत गए हैं ये मैच, मैंने कहा था तो ये भी बताता हूँ लालुआ। ओह 11,000 दिए ने उन्हें मुझे जीत जीत के इनाम में। इधर क्या है, ओ इधर क्या था, मैंने देखा नहीं। सो गाइस मैं इस गेम में कुछ ज़्यादा ही फास्ट खेल रहा हूँ, मतलब मैं उसको देख भी नहीं पाया कि क्या मिला मुझे। ओ मिस्टी भाई, मिस्टी इधर टीम रॉकेट पे हाइड्रोजन करके भागी है, इधर भी एक मिस्टी है, अरे वही मिस्टी है ये, अभी भी ये हमसे कह रही है हमें सिविलियन सिटी जाने को, तो फिर चलते हैं सिविलियन। इधर भी एक मिस्टी है इस गुफा में, इतनी तो हमने मिस्टी देख ली, इतने हमने पोकेमोन नहीं देखे होंगे। क्या ये तो अभी उधर थी, मतलब मिस्टी को टेलीपोर्ट भी आता है, और आ गए हैं ये राइहॉर्न एंड आउट इन वन अटैक। ओह माय गॉश, इसका इवॉल्व हो गया है, व्हाट द हेल, मिसने मिस्टी को मतलब मार दिया। अब हमें ही इसको हराना पड़ेगा, राइडॉन बन गया है ये, हम मतलब बल्बसौर उतना ट्रेन नहीं है जितना मेरा वो पोकेमॉन ट्रेन था, लेकिन इस कैरी अटैक कर रहा है, लेकिन फिर भी हम अटैक कर ही लेते हैं। वैसे मुझे लगता है एक और फीलिंग आ रही है, लेकिन फिर भी हम जीत चुके हैं 17 लेवल एंड 18 लेवल एंड माई पोकेमॉन इज इवॉल्व इनटू आईवी। नहीं हुआ, मतलब मुझे लगा था 18 इतने लेवल तक हो जाता है नॉर्मली। सो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और कैसी लगी कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और हम बाहर निकल चुके हैं केव से, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर बताइए नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा पकड़ें।